नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोटा में फंसे बिहारी छात्रों की मुसीबत अब और बढ़ गई है। दरअसल कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अगर दूसरे राज्य अपने छात्रों को वापस बुला रहे हैं, उनके लिए बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरे इंतजाम कर रहे हैं, तो बिहार सरकार को भी ये व्यवस्था करनी चाहिए। और ये मांग सिर्फ कोटा में फंसे बिहारी छात्रों की नहीं है, बल्कि बिहार में विपक्ष ये लगातार मांग कर रहा है। और जब भी कोई दूसरा राज्य ये फैसला लेता है तो विपक्ष की मांग और विपक्ष का हमला और तेज हो जाता है बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर। अब ये खबर आ रही है कि कल रात को कोटा में फंसे छात्रों का सब्र जवाब दे गया। कोटा में फंसे बिहार के छात्र सड़क पर धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठने की वजह से उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन का एफआईआर की गई है। स्थानीय पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। और आप जानते हैं कोटा का मामला कोर्ट में भी है। कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उनके परिजनों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है, तो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में वैसे छात्र हैं बिहार के जो कोटा में फंसे हुए हैं। और जब ये खबर आई कि बिहार के नवादा के हिसुआ से बीजेपी विधायक अनिल सिंह और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों को लाने का इंतजाम किया कोटा से और उनके लिए पास निर्गत हुआ, तो ये बवाल और बढ़ा। और नवादा के हिसुआ से विधायक अनिल सिंह के मामले में तो उनको पास निर्गत करने वाले एसडीओ भी सस्पेंड हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। तो कोटा को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्म है। सिर्फ विपक्ष ये मांग नहीं कर रहा है, बल्कि जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी जेडीयू से अलग राय रखती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग राय रखती है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने खुलकर ये कहा है कि कोटा में जो छात्र फंसे हैं उनके लिए इंतजाम होना चाहिए, उनको बिहार लाया जाना चाहिए। कोटा मामले को लेकर बिहार में सियासी बवाल है। और कोटा को लेकर अब दूसरी बड़ी खबर आ गई है, वो हमने आपको बताई है। वहाँ फंसे छात्रों की मुसीबत और बढ़ गई है क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कल रात को वे छात्र कोटा में धरने पर बैठे हुए थे इस मांग के साथ कि हमको बिहार वापस बुलाया जाए, बिहार सरकार कोई फैसला ले तुरंत हमें बुलाने का, जैसे दूसरे राज्यों ने लिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।